अरे माँ को बताया जाएगा अपनी चीख को संभाल बट क्यों रखे। एक मिनट बात तो सुनिए, जब आप इतनी नजाकत से फायर करेंगे तो कैसे नहीं लगेगा। सुन तो ले, बड़ी जोर का लग गया गार्ड पे। कुछ नहीं हुआ आपको, करें दोबारा फायर। गार्ड भर फड़ा रहे। एक एम यू नो रबिया, इन अ टेररिस्ट अटैक यू नेवर एस्केप्ड अनहर्ट। यस यू माइट नॉट गेट इंजरी बट यू आर ट्रॉमेटाइज्ड फॉर योर लाइफ, especially when you had lost one of your dearest. जिस दिन मुझे सबर आ गया उस दिन आपसे मैं खुद बात करूंगी। जिस दिन यकीन आ गया कि वो आके चला गया तो। मैडम रबिया, आपने सोच लिया है कि स्लूटिंग टेस्ट पास नहीं करना और नई सिग्नेचर आपने? स्टाफ अभी टाइम है। कौन सा टाइम? कि मैं आज फेल हो जाऊंगी। तुम हमेशा ये कहती हो पर होती नहीं हो। मैं भी कर लूंगी, मन्नत मांगी भी है मैंने, इंशाल्लाह मैं भी पास कर लूंगी। अच्छा, अब जेलस होने की जरूरत नहीं है। वालेकुम सलाम। भैया चम कर रहा हूं। मुझे लगता है आज एजिडेंट ने किसी को पास नहीं करना। देखा, आज बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही है। किस दिन देखा है तुमने मुस्कुराते हुए एजिडेंट को? मैं तो कर लूंगी। Loose belt, short trouser, fail. Fall out, ma'am. Fall out, loud. Fall out, come on, chal. Not chal again. Pass. Short trouser, fail. Fall out, ma'am. Fall out, come on, chal. Not chal. Loose belt, short trouser, fail. Hold on, 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 hold on. Pass. Pass.
पास। लूज बेल्ट फेल हल्ड देम अलर्ट हल्ड देम चल डर चल लॉन्ग ट्राउजर फेल हल्ड देम अलर्ट हल्ड देम चल चल पास पास लूज बेल्ट फेल होल्ड बेल्ट होल्ड चला चला पास वालेकुम सलाम नाम जाथा डॉट नजम साफ करियो वालेकुम सर वालेकुम सलाम Salute. Pass. Bahi. Hurry up. Dode. Chali do. Salute and a very good march, but you need to improve upon your right salute. Yes, sir. Pass. Bahe, phir. Dode, chal ma'am. Up your knees. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Salam. Salam. Check 1, 2, 2, 3, 1. Assalamu alaikum, sir. 2, 3, cut. Pathetic salute. Pathetic march. Fail. Dode, phir. Dode, chal ma'am. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, salam, check, 1, 2, 3, 4, 5, cut, 1, 2, 2, 3, 1, salam alaikum sir, 2, 3, cut, 2, 3, 1, salam alaikum sir, 2, 3, cut. Do not move your face once you are saluting, otherwise your march was cut, your salute is fine. Pass. Bahe, phir. One. Dode, chal. 1, 2, 3, 4, dane up.
अलार्म चेक 1 2 3 4 5 कट 1 2 3 4 सामने अप सलाम चेक 1 2 कट सलूट पास बाहे फिर कड़े चल सैल्यूट फॉर कॉन्फिडेंस पास बाहे फिर मैं दौड़े चल मैं good salute and a very good march pass bahe phir mein dore chal do 1 2 3 1 2 3 4 dane salam check 1 2 3 4 5 cut 1 2 3 4 dane check 1 2 3 1 salam kum sir 3 cut 3 1 Salam kum sir. Three, cut. Pathetic salute. Pathetic mark. You were walking in a park. Open up your mind and take some interest. Overall pathetic. Fail. Dare fail. Dare chal raha. Bhaiya, isko kyun fail kar diya? Isne to itna sahi test diya tha. बड़ी ज्यादती की है हो जाएगी पास तुम परेशान मत हो ए नतमी फिर छुट्टियों के बाद मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज प्लटून कमांडर से बात करते हैं वो करेंगे कुछ चल मेरे साथ श्रीलंकन एम्बेसी से बात करते हैं फिर आगे जो नैथमी की लक प्लीज मैम प्लीज आप हमारी मेहमान हैं और हम नहीं चाहेंगे कि मेहमानों को किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचे आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम मैं यहाँ बहुत सिक्योर हूँ अपने मुल्क और घर की तरह इसलिए तुम्हें पाकिस्तान देखना चाहती हूँ और मैम यहाँ इतनी बुद्धिस्ट साइट्स हैं मैं नैथमी को सब घुमाना चाहती हूँ ठीक है मैं एम्बेसी बात करती हूँ फिर आगे जो आपकी एम्बेसी का डिसीजन लेकिन रबिया उसके लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा मैम मैं रुक जाऊँगी नैथमी के लिए गुड अस्सलामुअलैकुम मैम थैंक यू मेरे लिए घर जाते जाते रुक गए तुम हाँ तो मैं साथ लेकर जाऊंगी ऐसे थोड़ी छोड़कर जाऊंगी तुम्हें यहाँ पर मुझे यकीन है कि तुम्हें परमिशन मिल जाएगी इंशाल्लाह हाय तू तो अभी भी बोलने लग गई मैम से बड़ी साइज की बात कर रही थी तुम आई डिडंट नो दैट यू यही तो सरप्राइज देना था तुम्हें मुझे सरप्राइज देने का बहुत शौक है परमिशन मिल जाए जरा अरे तुम्हें हैरान करेंगे अस्सलामुअलैकुम
मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। माशाल्लाह लंबी उम्र है तुम्हारी। मुझे भी आपका ही ख्याल आ रहा था, देख लें दिल से दिल को राह होती है। हाशिर कैसे है? माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा मैं उसे जरा देखाऊं। बेटा खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं अम्मी बिल्कुल टाइम नहीं है, चंद मिनटों के लिए आई हूँ, हाशिर को देख लेती हूँ। मामा जब मैं बड़ा होऊंगा ऐसी वाली शर्ट पहन के उस पर अपना नाम लिखूंगा। ओके पर आप जल्दी से बड़े तो हो जाओ। मामा आप फिर जा रही हैं? जा रही हूँ तो क्या हुआ, वापस आ जाऊंगी। आप तो एक फौजी के बेटे हो ना, आप थोड़ी मामा को रोकोगे। और मामा जाएंगी तो आप क्या कहोगे? ओके अल्लाह हाफिज़। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ओके अम्मी मैं जा रही हूँ। सामिया बेटा रुको। अम्मी बिल्कुल टाइम नहीं है। बेटा टाइम हो या ना हो मिल्कशेक पिए बगैर नहीं जा सकती, ये लो। अच्छा मैं पी लेती हूँ। सारा दिन भागम दौड़ में लगी रहोगी बगैर खाए पिए तो सेहत का क्या होगा? अम्मी जरूर मैंने कोई नेकी की होगी, इसलिए तो मुझे आप जैसी सास मिली है। लो भला फौज में है मेरी बहू तो ख्याल भी ना करूँ, पूरी फैमिली में है किसी की बहू फौज में, मेरी है मेजर। अम्मी इसके बारे में फिर बात करें, बहुत देर हो रही है। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। टीप थ्रीप 1 2 3 4 देने। Teep, threep, 1 2 3 4 Dene Salam. बेटा कब तक यूं चक्कर पे चक्कर काटती रहोगी, आराम करो जाके। आया जी मेरा सलूट पास नहीं हो रहा, सारी लड़की अपने घरों को चली गई और मैं अब तक यहीं पे ही। हो जाएगा पास बेटा, बड़ी बड़ी लड़कियों का नहीं होता और जब होने पे आता है तो मिनटों में हो जाता है। मैडम आ गई। एनसी मैजिबिन अगर आप सेल्यूटिंग टेस्ट पास नहीं करेंगी तो आप यहीं पर रुकेंगे। मैम द एडजुटेंट जज्ड मी अनफेयरली। इन पीएमए नो वन जज्ज एनीवन अनफेयरली। डोंट एवर यूज दिस सेंटेंस, इज इट क्लियर? यस मैम। ये जितना दिमाग आपका मेकअप ब्रांड्स और फैशन में चलता है इससे आधा दिमाग भी अगर आपने ट्रेनिंग में लगाया होता तो आज आपका सेल्यूटिंग टेस्ट पास होता। मैम 6 हफ्ते से मेकअप नाम जैसी चीज को देखा तक नहीं है मैंने, बाल काले कर लिए लेकिन किस शेड में डाय किए वो तक नहीं जानती, कपड़ों में यूनिफॉर्म के अलावा किसी और कपड़े का ना रंग याद है ना डिजाइन, और अभी आप यही कह रही हैं कि मैं मेकअप और फैशन में उलझी हुई हूं। दैट्स नॉट फेयर। देन प्रूव इट बाय पासिंग दिस टेस्ट। जमीन हम बहन भाई के साथ तीसरी औलाद है मेरे बाबा की, और जब अपनी औलाद किसी दूसरे के पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता ना। आईएसएफ भी लेकर गए थे ना, और अबू को भी समझाया था और दादी की गालियां भी खाई। हाँ तो उसमें तो कोई खास बात नहीं, हम सभी खाते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मंगनी तोड़ सकते हो? तो बिल्कुल फौजी की तरह सलूट कर रहे हैं। बाबा मैं अब फौजी बन गई हूँ, अपने कोर्स में सबसे पहले सलूट टेस्ट पास किया मैंने।
अच्छा हाँ, तभी तो छुट्टी मिल गई मुझे। चले अब। हाँ चलो चलो। नहीं नहीं बाबा, नहीं, मैं फौजी बन गई हूँ। वहां तो इतना वजन उठाना बस आम सी बात बन गई है। छोड़े आप छोड़े। नहीं नहीं हमको दो, जब तुम छुट्टी पर है अभी, जब इधर आएगा फिर उठाना। अरे बाबा उठाने दो। नहीं नहीं अभी छोड़ दो, अभी चलो हमारा साथ चलो अभी। अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है। हाँ और नादिर? नादिर बहुत शैतान हो गया है, तुम्हारा माँ तुमको बहुत याद करता है। वाकई? हर वक्त। हमने बोला खाना ने, जब वो इधर था तुम उसको चप्पल से मारता था, अभी उधर गया है अभी तुम उसको याद करते है। हर वक्त होते परिवश कैसा होएगा, परिवश कैसा होएगा। हमने बोला देखना हमारा बच्चा जब उधर से फौजी बन कर आएगा फिर देखना उसको। और नादिर? नादिर बस काम माम नहीं करते है। ये जमाल और उसकी बेटी है ना? जी सर। रोको गाड़ी। हाँ सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। सलाम सरदार। वालेकुम सलाम। घर जा रहे हो? जी सरदार, तो परिवश को छुट्टी मिल गया था ना, इसको लेने आया था। तुम दूसरी गाड़ी में जाके बैठो गार्ड्स के पास, तुम लोग आओ मेरे साथ बैठो। अबू नहीं आए लेने? नहीं आना था लेकिन उन्हें कुछ काम पड़ गया। सुबह को लेने आया था लेकिन अभी तक सलूट पास नहीं किया उसने। सरदार परिवश का टेस्ट पास हो गया, इसने सब लड़कियों में सबसे पहले पास किया। कोई परेशानी तो नहीं है ना पीएमए में? नहीं सरदार, पीएमए में कोई परेशानी नहीं है। सुबह भी यही कहता है, पता नहीं क्यों सलूट टेस्ट नहीं पास हुआ। हो जाएगा सरदार, टाइम लगता है, एक भी चीज खराब हो ना तो वो पास नहीं करते हैं। आपको तो पता है ना फौज का अपना स्टैंडर्ड और मयार है उनका। हाँ ये तो है। कितनी ट्रेनिंग रह गई है तुम्हारी? सरदार अभी तो पहली टर्म खत्म हुई है और अभी है कुछ महीने और। सरदार आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ बेटा कहो। मेरे बाबा की कुछ जमीन है आपके पास, कुछ कर्ज के बदले। मैंने आपसे दरख्वास्त करनी थी कि मैं अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे जमा करके आपको दे दूं, तो क्या आप हमारी जमीन छोड़ देंगे? मुझे पता नहीं जमाल की जमीन कितने पैसों के अवैध है हमारे पास, लेकिन मैं देखता हूँ। सरदार मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, सारे पैसे मुझ पर और यूसुफ पर खर्च करती हैं, और जमीन को तरसी हुई नजरों से देखते हैं जब भी वहां से गुजरते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है सरदार, जमीन हम बहन भाई के साथ तीसरी औलाद है मेरे बाबा की, और जब अपनी औलाद किसी दूसरे के पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता ना। सरदार
ए बेकूफ है, खामखा ऐसा बातें कर रहे हैं। जमीन तो आपका ही है, किसी और से भी कर्ज लेता तो जमीन तो रखवाना पड़ता ना। ये पागल है, इसको कुछ नहीं पता है सरदार। बाबा मुफ्त में नहीं लूंगी, कर्ज वापस करूंगी। फिर सरदार तो हमसे बहुत ज्यादा अमीर है, कर्ज वापसी के लिए किस्तों की सहूलत दे देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। चुप, चुप, चुप। अभी एक लफ्ज भी नहीं बोलना, बस चुप। चुप बाबा। ट्रेनिंग ठीक जा रही है? जी। पीछे बैठ जाती तो शीशे से देख लेता। देखना हो तो गर्दन टेढ़ी करके भी देख सकता है इंसान। अभी आगे ध्यान दो सड़क पे। गांव पास है तो पिछली सीट पे बैठ जाना। वो मैंने वो शुक्रिया अदा करना भूल गई थी मैं। किस लिए? ISF भी लेकर गए थे ना, और अबू को भी समझाया था और दादी की गालियां भी खाई। हाँ तो उसमें तो कोई खास बात नहीं, हम सभी खाते हैं। हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मंगनी तोड़ सकते हो? आज का सारा दिन वेस्ट गुजर रहा है। सॉरी मैडम, दिखाई नहीं दिया। क्यों, अंधे हो क्या? मैडम दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए। मैडम बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बदतमीजी कर रही हूँ मैं? हाँ क्या बदतमीजी कर रही हूँ मैं? अबे समझा इसको। अबे मार रही है मैडम, मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा हाथ उठ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। अबे समझा इसको। जल्दी करो डैनियल, आरजू पहुंच गई होगी बस स्टेशन पे, उसे लेना है। चार जुल्फें कब तक बनाओगे तुम? बहुत जल्दी हो मेरी जुल्फों से। मैं नहीं जल्दी, चलो। आ गई आरजू। कहाँ है? हाँ, बाहर गली में लड़के को पीट रही है। बाजी माफ कर दें, आज के बाद कभी नहीं होगा ऐसा। आइंदा के लिए छोड़ूंगी तो होगा ना तुम्हारा। गुड आफ्टरनून अम्मी अबू, मैं बस जल्दी फारिग हो गई तो मैंने कहा खुद ही आ जाती हूँ, चलें? जी जी बिल्कुल जी, आओ।
खुदा यमान सरदार। खुदा यमान। अल्लाह यमान सरदार। खुदा यमान। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि सुबह सलूट टेस्ट पास नहीं कर पाया। जी सरदार। और ये भी बताने की जरूरत नहीं कि जमाल की बेटी ने पास कर लिया। जी सरदार। लड़कियों को तो मौका मिल ही जाता है, उनको वैसे ही दे देते हैं वो। लड़कों को मेहनत करनी पड़ती है, जंगों में जाना पड़ता है। आरजू बाजी ऐसे लड़ रही थी, ऐसे मार रही थी, ऐसे हाथ चला रही थी। मैं ऐसा कोई जूडो कराटे नहीं कर रही थी जैसे तुम बता रहे हो। नहीं, मैंने देखा था आपने उस लड़के को ऐसे बैग मारा था। खाना खाओ। आरजू बाजी तो फाइटर बन के आई है। फाइटर नहीं बेटा, फौजी। जो अपने मुल्क की हिफाजत करने जा रहा हो वो अपनी हिफाजत तो करना जानता है ना। फिर मैं कह रही थी कि मोहल्ले वाले खामखा बातें ना करें। अम्मी मुझे अब बातों की परवाह नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो बस ऐसे कह रही थी। बता करो ना, ऐसे सोच क्यों रखते हो। रबिया, श्रीलंकन एम्बेसी ने इजाजत दे दी है, बट नाउ नाथमी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम आई अंडरस्टैंड, हम मेहमानों के लिए जान भी दे सकते हैं। दैट शुड बी द स्पिरिट। गुड। अस्सलाम वालेकुम मैम। व्हाट? परमिशन नहीं मिली श्रीलंकन एम्बेसी से? मुझे पता था नहीं मिलेगी, लेकिन ये था एक नाइटमेयर। जब मेरी आँख खुली तो प्लूटून कमांडर ने बताया कि श्रीलंकन एम्बेसी ने तुम्हें मेरे साथ रहने की बहुत खुशी खुशी इजाज़त दे दी है। रियली? तुम अपने साथ साथ में मुझ पर लगाओगी? चलो। आई एम सो हैप्पी। सो एम आई। वी आर सो हैप्पी बेटा दैट यू आर स्टेइंग विद अस। आई एम रियली ग्रेटफुल टू रवि अंकल दैट शी आस्क्ड मी टू स्टे विद हर। अरे मेरा बच्चा। अम्मी अब्बू, वैसे ना इसको उर्दू आती है अच्छी खासी। अच्छा वाकई? आती है बट थोड़ी थोड़ी। चलें कुछ दिन रहेंगी तो आप फर्फर बोलेंगी उर्दू। अम्मी खाना तो लगाएं। हाँ, मैंने नाथमी के लिए सारी वेजिटेरियन डिशेस बनवाई है। कोई जरूरत नहीं थी इसकी, सब कुछ खा लेती है ये। हाँ, आई लव बिरयानी, दाल चावल और कबाबी। ओके नवाज, बस वही लगा दो जो सब घर वाले खा रहे हैं। सब्जियां फिर कभी सही। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में जो सुना था सब सच है। अच्छा, क्या क्या सुना था आपने पाकिस्तानियों के बारे में? के यहाँ सब लविंग है, दे मेक यू ईट फूड सो मच, सांस नहीं लिया जाता। नहीं नहीं, सांस जरूर लो बट खाना सब पड़ेगा। और लो ना बेटा, वहां पता नहीं सही से खाती थी भी या नहीं। आंटी डोंट वरी, ये सब खाती थी। वाह, तू बड़ा मेरा खाना चेक करती थी। पता है कितना शर्मिंदा हुआ है हम सरदार के सामने। क्या जरूरत है इसको इस तरह का बात करने का? जरूरत थी बाबा। क्या क्या वाकई तुमने सारी बातें कर ली? परिवज, तुम तो बात बात पे डरा करती थी, किसी के सामने तुमसे बात नहीं होती थी। पीएमए ने सब सिखा दिया मुझे अम्मा, ये डरना, दबना, झुकना, किसी से बात ना कर पाना, सब निकाल दिया मैंने। लेकिन अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए ना, वरना क्या करना है यूनिफॉर्म पहनकर? जब अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर दूसरे की क्या करेंगे? ये ठीक कह रही है,
ये तो सारा बातें करके वापस चला जाएगा काकुल। हम लोग तो इधर ही है ना, फिर बुलाएगा वो सरदार, पता नहीं क्या बोलेगा क्या करेगा। बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुमको। दोनों। ये फौज वालों ने तेरी जुबान काटी नहीं है? काटी है ना दादी, लेकिन इतनी लंबी है, अभी काटने काटने में वक्त लगेगा। तुम आई हो, तुमने मुझे बताया था कि ये तो मुझे मोहल्ले के लड़कों से पता चला, और क्या आते ही तुम छा गई हो? She's my coursemate, श्रीलंकन की डेट है PMM. What? तुम फौज में चली गई हो? सिर्फ तुम फौज में जा सकते हो ना? अगर इतना हर्ट हो तो शायद अब भी तुम उसे प्यार करती हो। दोस्त जब दुश्मन बनती है ना, तो उससे बेरहम कोई नहीं हो सकता।